मगर सबसे ज्यादा कुर्सी के कोई चिपका आदमी था जलील होने के बाद भी, तो 10 साल के कांग्रेस के शासन में रणदीप सुरजेवाला जी थे, नहीं थे तो बताओ, बता दो, आप तो कैथल के पत्रकार हो, आपके तो विधायक थे। मैं एक चीज कह सकता कि आज इलेक्ट्रोल ने 16% वोट जननायक जनता पार्टी को दिए हैं, और इसलिए दिए हैं कि प्रदेश के हित में हम काम करें। जिस दिन प्रदेश के हित से बात बाहर हो जाएगी, जिस दिन हमें लगेगा, उस दिन के निर्णय उस दिन लिए जाएंगे। ये तो कांग्रेस का अध्यक्ष भी बोलता है, मेरे खिलाफ चार्जशीट है। अगर चार्जशीट है, कांग्रेस ने चौटाला साहब के खिलाफ बनाई थी, लाके पेश कर देना। मैं तो खुल के कहता हूं कि ऐसे कोई तथ्य इनके पास है जहां मेरे को इरेगुलरिटी दिखती है। मैं तो सुरजेवाला जी को 10 चीजों पे जवाब दे चुका हूं, दोबारा उनने कभी भी जवाब नहीं दिया, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह लिए। अब आई बात करनी और जलील होके कांग्रेस में टिके रहना, अगर किसी से सीखना है तो रणदीप सुरजेवाला से सीखो कि भूपेंद्र हुड्डा ने 10 साल जब क्या किया था और 7.5 साल अब क्या किया है। और ये भी बता सकता हूँ, आज विधानसभा के चुनाव तो 1.5 साल में है, बाबू बेटा कैथल की टिकट भी कोनी लेने दे।